हट जाऊंगा। मिट्टी धूल के कारण लगाया। आज आज वहाँ पर लगाई गई वो उसमें भी उन्होंने सैनिकों ने जूतों के साथ ही शिषपाल जी आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान यूआईटी चेयरमैन आदरणीय हरिराम जी रणुआ साहब जी, हमारे खुद जिला परिषद सदस्य हैं इंदिरा जी, विधायक आदरणीय खेड़ी बाबर साहब, आपके यहाँ के सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल साहब, पटवारी जी, उप प्रधान जी और मेरे सामने विराजमान शहीद के परिवार और गांव के सभी बुजुर्गों, नौजवान, हर गांव में हर शहर में मंदिर बने हुए हैं और मंदिरों के अंदर जितने भी देवता विराजते हैं वो एक भी देवता ऐसा नहीं है तो कोई देवता पैदा हुआ हो, वो भी आपकी और हमारी तरह से मनुष्य इंसान पैदा हुए थे। यात्रा निकल रही है, इस किस तरीके से क्या यात्रा है, कहाँ तक जाने का प्रोग्राम है, कब ये शुरू हुई थी, क्या है इसका? ये राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने एक टीम बना करके और हम लोगों को आओ जी राम, हम लोगों को आदेश दिया एक कमेटी बना के 5 आदमियों की कि राजस्थान में प्रत्येक शहीद के घर जाएंगे और वहाँ जा कर के शहीदों का जो परिजन है उनका सम्मान भी करेंगे और उनके साथ बैठेंगे, उनको जानकारी करेंगे, पैकेज पूरा मिला कि नहीं, उनको किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ तो नहीं है। तो 22वां जिले हमने पूरे कर चुके हैं, ये 23वां जिला आज पूरा हो जाएगा और राजस्थान में 10 जिले और शेष बचेंगे उनको भी हम पूरा करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि मूर्ति नहीं लगी वहाँ से, देश आज़ाद हुआ वहाँ से लेके अब तक नहीं लगी उनकी मूर्ति लगाना, नामांकन जिसका नहीं हुआ है वो करना, सरकार की तरफ से नौकरी एक शहीद परिवार को मिलनी तय, पहले वालों को नहीं मिलती थी 99 के पहले जो थे उनको भी मुख्यमंत्री जी ने नियम ऐसे सरल बना दिए, सबको एक एक सरकार की चाहे वो बाद का हो और चाहे पहले का हो एक सरकारी नौकरी मिलना, इसके अलावा और भी बहुत सी सुविधाएं हैं वो भी उनके लिए कोई प्रॉपर नहीं मिल पाई तो उनको दिलवाना और परिवार का मान सम्मान करना, ये हमारा लक्ष्य है।